अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। शगुफ्ता एजाज़ के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक खबर। शगुफ्ता एजाज़ एक बार फिर चार बेटियों के साथ अकेली रह गईं। दूसरे शौहर के इंतकाल के बाद गले लगे शौहर के रोती रहीं, चिल्लाती रहीं। तमाम तर डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि शगुफ्ता एजाज़ के ऊपर एक क़यामत सी आज टूट गई है। हर कोई अफसरदा है। शोबिज़ इंडस्ट्री के तमाम अदाकार भी इजहार अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कि हम तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करें, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप लोग ये तस्वीर भी देख सकते हैं, और हमने ऑलरेडी आपके साथ एक वीडियो भी कल शेयर की थी, जिसमें शगुफ्ता एजाज़ अपनी शादी की सालगिरह मनाती हुई दिखाई दी। हॉस्पिटल से इन्होंने वीडियो और तस्वीर शेयर की, अपने हस्बैंड के साथ शादी की सालगिरह मना रही थी, उनके गले लगी, रोती भी रहीं। मगर क्या पता था कि ये शादी की आखिरी सालगिरह मनाएंगी वो अपने हस्बैंड के साथ। फिर आज सुबह उनकी ये तस्वीर मंजरे आम पर आई, जो कि जहाँ पर वो अपनी खुद की सालगिरह मना रही थी। लोगों ने इनकी ये तस्वीर, इनका यूट्यूब पे व्लॉग देखकर जो सालगिरह मनाते हुए था, काफ़ी लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया कि इनको कैसे ये खुशियों में खेल रही हैं, खुशियां मना रही हैं, जबकि इनके हस्बैंड शौहर जो हैं वो इनके हॉस्पिटल में बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए हैं। लोगों को भी क्या पता था कि वाकई ये जो था वो उनका आखिरी दिन होगा इनके हस्बैंड का। सोशल मीडिया पर ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो चुकी हैं शगुफ्ता एजाज़। इस वजह से वो अब अपने शौहर के साथ तमाम तर वीडियोस जो थीं, तस्वीर सोशल मीडिया पर, अपने वीलॉग पर, यूट्यूब चैनल पर शेयर करती दिखाई दे रही थीं। मगर आज इंतहाई अफसोसनाक खबर आ गई। शगुफ्ता एजाज़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, यानी इंस्टाग्राम अकाउंट पर, एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने शौहर यानी यहया सिद्दीकी के इंतकाल की खबर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक मरहूम की मगफरत फरमा कर इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप भी कमेंट बॉक्स में इनकी मगफरत के लिए ज़रूर दुआगो होइएगा, सूरह फातिहा भी ज़रूर पढ़िएगा। शगुफ्ता एजाज़ जो हैं, उनके ऊपर क़यामत सी टूट गई है। इस वक्त उनके घर में अदाकारों का भी आना जाना है, बहुत से लोग जो हैं वो इजहार अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री इनके घर में जमा होना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ हम आपके साथ तमाम तर डिटेल्स, अपडेट्स जो हैं वो शेयर करते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको मज़ीद हम वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जाए, बेल आइकॉन को प्रेस किए कर लीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमन में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ। न्यू अपडेट्स लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।